नमस्कार, मेरा नाम है अमजद और मैं बंगाल से आया हूँ। गाजियाबाद में रहता हूँ, मैं काम करता हूँ। तो मेरा बच्चा बचपन से ही चल नहीं पा रहा था, एकदम पैर उठा के चलता था। तो मैं इसको पैर सही करवाने के लिए कई जगह गया था। फिर हमने इधर आया था और वीडियो देखा मोबाइल पे। इधर जीएस हॉस्पिटल में डॉक्टर सब मिला हमको, पीते रंजन सर बहुत अच्छा डॉक्टर है। और डॉक्टर साहब हमको बोला कि तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, तो तुम इनके ऑपरेशन के लिए थोड़ा तैयारी कर लो, हम लोग बच्चे को सही कर देंगे। या फिर अब हमारा बच्चा जो है, पहले कभी भी पैर इसका जमीन पे नहीं टिकता था, अब डॉक्टर साहब की मदद से और ऊपर वाला की मदद से हमारे बच्चे का पैर जो है जमीन पे टिक रहा है और सही तरह से चल रहा है। अब डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ और मेरा दिल से धन्यवाद रहेगा। मैं जितना दिन रहूँगा उतना दिन मेरा धन्यवाद रहेगा डॉक्टर साहब को, एकदम पूरा उनकी टीम को। गुड आफ्टरनून। तो आज का केस है नेग्लेक्टेड सीटीवी क्लब फुट बोलते हैं इसको, कंजनाइटल टेलिपस इंफेक्शन। ये बहुत कॉमन विकृति है जो हमारे बच्चों में पाई जाती है, जन्म के समय से ही होता है। ये बच्चा जो अभी 9 साल का है, इसको जन्मजात सीटीवी था, इसने कभी ट्रीटमेंट नहीं लिया था और इक्वाइनस मतलब पाँव के पंजे भी चलता था। हमने इसमें इंडियन मेड जेस फिक्सेटर जोशी एक्सटर्नल सर्वेलेंस सिस्टम लगाया, जो भारत में ही डेवलप किया गया, डॉक्टर बी वी जोशी मुंबई के खेल ने ही फ्रेम बनाया था। और उस फ्रेम को लगाने के बाद हम ग्रेजुअली करेक्शन करते हैं धीरे धीरे। जो 9 साल से चूँकि बच्चा चला नहीं है, उसका पाँव गीला हुआ था, तो सारे जो आसपास के जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, मसल सॉफ्ट टिश्यू, वो सब सिकुड़ जाती है, तो वो धीरे 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 लेंथन किया जाता है। ये एक बड़ी अच्छी विधि है, टेक्निक है। उसके बाद जब काफ़ी हद तक सीधा हो गया, हमने प्लास्टर लगाने के बाद 3 हफ्ता प्लास्टर रखा और अब आज प्लास्टर भी खुल गया है। अब बच्चा बिल्कुल, उसकी पाँव सीधी हो चुकी है, पहले इसकी पाँव ऐसी गिरी हुई थी, अब पाँव बिल्कुल सीधी है, इसकी पाँव सीधी हो चुकी है। और चूँकि अभी प्लास्टर लगा था इसलिए थोड़ा चलने में तकलीफ हो रही है, बट ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया। अब हम इसको एक सीटीवी शूज आता है उसमें लगा के इसको चलाएंगे और इस फिक्सेटर की वजह से काफ़ी अच्छा इसका करेक्शन हो गया और जो बच्चा जो 9 साल से चला नहीं था अब चलेगा। तो इस चीज़ के लिए मैं अपनी टीम और मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।